व्हाट इज द गिफ्ट, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एपी के एंड से फोर्थ टर्म। तो हम लोग एंड से टर्म निकाले के लिए हम जानते हैं लास्ट टर्म में से सबट्रैक्ट करना होता है एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ कॉम यहाँ पे हमें फोर्थ टर्म निकाला एंड से, एन का वैल्यू यहाँ पे फोर हो जाएगा, है ना जी। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है इसका कॉमन डिफरेंस माइनस एट माइनस माइनस एलेवन, यानी आ जाएगा माइनस एट प्लस का एलेवन, ठीक है ना जी, प्लस का एलेवन यानी आ जाएगा थ्री, ठीक है। अच्छा ये आपका थ्री हो जाएगा डी के वैल्यू, और यहाँ लास्ट टर्म है 49, तो इसमें रख देते हैं, है ना। फोर्थ टर्म फ्रॉम इंड, फ्रॉम इंड, इंड से फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, तो 49 माइनस का 4 माइनस 1 इंटू में डी के वैल्यू 3 हो जाएगा। 49 माइनस यहाँ 3, 3 जा 9, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से 40 आ जाएगा, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40।